हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल्कि देव के मिशन में इतना अधिक कोहराम क्यों, इतना अधिक हर तरफ आतंक क्यों, इतना अधिक हिंसात्मक वातावरण हर तरफ क्यों दिखलाई पड़ रहा है, क्यों हर तरफ विनाशकारी बादल छाए हुए हैं, क्यों हर तरफ जब सनातन धर्म की बात की जा रही है, जिस सनातन धर्म की स्थापना हेतु विष्णु भगवान ने कल्कि के रूप में जन्म लिया, जिनके साथ माँ पद्मा है साक्षात रूप में विद्यमान। माँ पद्मा यानी माँ लक्ष्मी स्वरूप, माँ लक्ष्मी को हिंसा पसंद नहीं, लेकिन माँ लक्ष्मी है जिनके साथ उनके ही आँखों के सामने और उनके ही मिशन में माँ शक्ति उनके साथ रहेंगी, माँ भैरवी के रूप में, माँ बगलामुखी के रूप में, माँ काली के रूप में। और ये तीनों ही रूप माँ शक्ति के विनाशकारी रूप यानी असुरों का सर्वनाश करने के लिए। तो जब सत्य और शांति की स्थापना में सबसे पहले बात आती है कि किसे चुना जाए, सत्य को या शांति को, क्योंकि जहाँ पर भी झगड़ा फसाद होता है, जिस घर में कलह होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं, वहाँ अलक्ष्मी रहती हैं, वहाँ पर दरिद्रता रहती है। कलयुग में इसके बाद जो सतयुग की स्थापना की बात हो रही है, जिस सतयुग की स्थापना करने हेतु भगवान विष्णु ने कल्कि के रूप में जन्म लिया, जिस अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने की, आज उस अहिंसा का पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे कल्कि अवतार? सत्य और शांति में से चुनना पड़े यदि कल्कि अवतार को, तो क्यों वो पहले सत्य का रास्ता चुनेंगे, जबकि सीख लोगों को दी जाती है शांतिप्रिय ढंग से काम करने की? फिर कैसे कल्कि देव के मिशन में इतना अधिक मारकाट मच गई है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ युद्ध के विनाशकारी बादल मंडरा रहे हैं, युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है, रशिया और यूक्रेन का खत्म होने का नाम नहीं, और आने वाले समय में बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि चाइना ताइवान, इजराइल ईरान, साथ ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे मुस्लिम कंट्रीज रहेंगे जो कि एक साथ होकर भारतवर्ष पर भी आक्रमण करने की प्लानिंग करेंगे, न सिर्फ प्लानिंग करेंगे बल्कि आक्रमण भी करेंगे। तो इतना अधिक कोहराम क्यों? युद्ध कभी भी शांतिप्रिय ढंग से होता नहीं। तो अब इसमें बात ये है इसके पीछे की कि जिस प्रकार जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ और रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, उन्होंने भी सत्य का रास्ता पहले चुना, भले ही उनका खुद का जीवन अशांतिपूर्ण हो गया, भले ही उनका खुद का जीवन शांतिप्रिय नहीं रहा, भले ही उनके जाने के पश्चात उनके महल में कोहराम मच गया, आजीवन अयोध्यावासी और उनके परिवार के लोग अशांत रहे, लेकिन सत्य का महत्व क्या होता है, वचन को किस प्रकार निभाया जाता है, इसके लिए राम जी ने सत्य का रास्ता चुना। रावण का वध करने के पहले क्या शांतिप्रिय ढंग से रावण का वध हो सकता था? नहीं। यानी हमें विष्णु भगवान ने, इस प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने यही सीख दी है कि कभी भी सत्य और शांति में से यदि एक का चुनाव करना पड़े तो हम सत्य का चुनाव करें, भले ही उसके लिए हमारे जीवन की शांति से थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि यदि हम शांतिप्रिय ढंग से जीना चाहते हैं तो हो सकता है हमें सत्य से समझौता करना पड़े, और सत्य से समझौता करना हमारे उसूलों के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि इसी सत्य की स्थापना करने हेतु जिसका नाम है सनातन धर्म, यानी सत्य का वो स्वरूप जो ब्रह्मांड की ऊर्जा में है और जिसके स्थापना हेतु ही कल्कि अवतार धरती पर अवतरित हुए हैं,
इसलिए इसी सत्य की, इसी सनातन धर्म की स्थापना के पहले बहुत अधिक हिंसा, हिंसात्मक वातावरण, युद्ध, कोहराम, जगह जगह लोग चिल्लाएंगे, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, उनका आक्रमण, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वायलेंस नज़र आएगा कल्कि देव के मिशन में। और उसके बाद जिस प्रकार की बहुत अधिक तूफान जब होता है, बादल जब गरजते हैं, उसके बाद पता चल जाता है कि इसके बाद की जो शांति होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो सत्य और शांति में से यदि हमें भी चुनाव करना पड़े तो भले ही अपने पारिवारिक शांति को हमें थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए कुर्बान करना पड़े तो चलेगा, लेकिन आप सत्य का रास्ता कभी मत छोड़िए। सत्य का रास्ता ही ऐसा रास्ता होता है, सत्य का घूंट वो कड़वा घूंट होता है जो आसानी से किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। सब लोग सत्य का दम तो भरते हैं लेकिन सत्य को पचाने की क्षमता किसी में नहीं होती। तो जब सत्य है ही इतना कड़वा तो उसकी स्थापना यानी सनातन धर्म की स्थापना कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर हो जाए, जिस अहिंसा का पाठ गांधी जी ने देशवासियों को पढ़ाया। नहीं हो सकता है अहिंसा रूपी वातावरण में सनातन धर्म की स्थापना। जब जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया तब तब अपने अवतार के माध्यम से उन्होंने शांति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि उन्हें सत्य के रास्ते पर चलना था, क्योंकि उन्हें धर्म के रास्ते पर चलना था। तो पहले शांति या पहले सत्य? तो पहले सत्य। अगर सत्य की स्थापना हो जाएगी, धर्म की स्थापना हो जाएगी, लोग सात्विक बन जाएंगे, लोग धार्मिक बन जाएंगे, अपने आप पीसफुल एटमॉस्फेयर आ जाएगा। क्योंकि अशांति वही होती है जहाँ पर कि असत्य होता है, जहाँ पर कि अधर्म होता है, जहाँ पर कि लोग झूठ का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़े रहते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अपने थोड़ी सी मानसिक शांति के लिए, या अपने परिवार की मानसिक शांति के लिए, या अपने ऑफिस में भी किसी की बात यदि कोई झूठ कह रहा है उसकी बात को मानकर कि चलो जाने दो, सत्य पर पर्दा डाल दो, एटमॉस्फेयर कूल रहेगा। नहीं, वो कुछ कूल एटमॉस्फेयर कुछ देर के लिए रहेगा लेकिन उसके बाद जब झूठ का बादल हटता है तो बहुत अधिक सत्य की जो रोशनी होती है वो हमारे आँखों को चौंधिया देती है। सत्य बहुत आसानी से लोगों को पचता नहीं है, इसलिए कल्कि देव के मिशन में इतना अधिक वायलेंस मचेगा, क्योंकि जब रात का अंधेरा होता है, रात जब होती है वो इतनी घनघोर होती है कि लोगों को लगता है कि अब सुबह होगी नहीं, लेकिन प्रकृति का नियम है, बादल छटने के बाद जब रोशनी आती है तब बहुत तेज रोशनी होती है, जब सूर्योदय होता है बहुत सुहावना होता है। तो आज के वॉयलेंस में, आज के आतंक से, आज के झूठ भरे युग से डरना नहीं है, बल्कि सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलते हुए कल्कि देव के मिशन में अपना सहयोग प्रदान करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।